हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ रुबीना और मैं आपको सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल शिफा ब्यूटी पार्लर पर। सो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है आईब्रो बनाने की, तो आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करना है, और मैं आपको दोनों हाथों से आईब्रो बनाना सिखा रही हूँ अपने चैनल शिफा ब्यूटी पार्लर पर। सो फ्रेंड, आईब्रो की थ्योरी, आज हम आईब्रो की थ्योरी देख लेते हैं कि आईब्रो की थ्योरी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहो तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर अच्छे से हम जो समझा रहे हैं उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम आईब्रो बनाना सीख रहे हैं तो वो सारी बातों को सीखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, आप जानते ही होंगे कि आपको मैं इससे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा रही हूँ, इस बुक से जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो ये आप परचेस कर सकते हो मार्केट से। और ये है हमारा मेकअप एल्बम, इसमें आप देख सकते हो, इसमें मेकअप के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, किस तरीके से मेकअप के क्या होते, फेस के फीचर्स क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, वो सारी चीज़ें, फेस कटिंग, हमें फेस कटिंग किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो आप देख सकिए, हमें हम जो मेकअप में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट का नॉलेज दिया है इसमें। ये कलर व्हील है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे आप जब मेकअप का हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम आईब्रो के बारे में, आईब्रो की थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। तो हम इस बुक से आपको करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आईब्रो थ्रेडिंग से स्टार्ट किया हुआ है। ये थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्लीच इसमें है। तो थ्रेडिंग का हमने स्टार्ट किया है, आईब्रो किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आईब्रो की वो हमने बताया है। तो इसमें पहले थ्रेडिंग का दिया है, तो थ्रेडिंग में आईब्रो थ्रेडिंग दिया है, अपर लिप्स थ्रेडिंग दिया है, फॉरहेड थ्रेडिंग दिया है, और साइड ब्लॉक थ्रेडिंग दिया है, और चीन थ्रेडिंग दिया है। ये सब सारी चीज़ें थ्रेडिंग के बारे में दी है। तो हमने अभी आपको आईब्रो का, आईब्रो की प्रैक्टिस के बारे में बताया है। तो अभी आईब्रो की थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान देना है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, विभाग पहला ही स्टार्ट है ये थ्रेडिंग। तो सबसे पहले हम थ्रेडिंग की प्रस्तावना यहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको नज़र ही आ रहा होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, देखिए आप, प्रस्तावना, थ्रेडिंग रुओं को निकालने की चाइनीज़ पद्धति है। रुए स्त्रियों की सुंदरता में व्यवधान पैदा करती है। पुराने ज़माने में स्त्रियां रुओं को निकालने के लिए आटे और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करती थी। आज इस समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय है, इसमें से एक उपाय है थ्रेडिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट, 40 नंबर का थ्रेड जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, दिखाया है, मतलब के धागा, टेलकम पाउडर, जब हम आईब्रो बनाते हैं, आईब्रो को शेप देते हैं तो वहाँ पर पाउडर का यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि स्किन का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और आईब्रो के हर एक बार अलग अलग हो जाए। कॉटन रुई, बालों को हटाने के लिए एस्ट्रीजन का यूज़ होता है, जब हम आईब्रो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद एस्ट्रीजन का यूज़ होता है। सीज़र कैंची, और कैंची का यूज़ होता है ताकि हम जो हमारे स्टार्टिंग के आईब्रो के, यहाँ के जो स्टार्टिंग के, ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग के हेयर होते हैं जो यहाँ से उनकी ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाती है, तो सीज़र से यहाँ पर कट करने के लिए हमें सीज़र का भी यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। पहला है आईब्रोज, और दूसरा है अपर लिप्स पर, फॉरहेड पर, मस्तक और साइड ब्लॉक्स, और यहाँ पर दिया है चीन, ठुड्डी। और नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से नज़र आए,
और नेक्स्ट है थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। थ्रेडिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें इसमें। वैक्सिंग करने के बाद जो रोए शेष रह गए हो वे केवल थ्रेडिंग से ही निकाले जा सकते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले टैल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी है। थ्रेडिंग करने में ज़्यादा खिंचाव होता हो तो थ्रेड को वेट गीला कर ले। अगर थ्रेडिंग करने में ज़्यादा खिंचाव होता है तो धागे को थोड़ा गीला कर ले करके थ्रेडिंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट है आईब्रोज थ्रेडिंग 40 नंबर का थ्रेड लेना है। पैर पर जहाँ रोए बढ़ गए हो वहाँ पेन से आईब्रोज के अलग अलग शेप आकार बनाएं। ये प्रैक्टिस के बारे में दिया है। हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करना है तो पैर में पेंसिल से आकार बनाए, इस तरीके से आईब्रोज के आकार बनाना है। उस तरीके से आईब्रोज के आकार बनाएं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो हमें थ्रेड की कैची किस तरीके से बनाना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया हुआ है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो धागे से हम बाल निकालने की प्रैक्टिस कैसे करें वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि पैर पर आईब्रो का शेप बनाएँ और वहाँ पर आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस करें, आकार बनाएँ। फिर थ्रेड का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से थ्रेड के बीच से 5 बार फंदा लगाए। इसके बाद जो हेयर निकालने हो उसके विरुद्ध दिशा से थ्रेड करें। रोज़ाना 1 घंटा थ्रेड की प्रैक्टिस करें जिससे किसी भी तरह की आईब्रो का शेप बनाया जा सके। आईब्रो को नीचे दिए गए अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो शेप दिए गए इन शेप में आईब्रो को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धनुष आकार है, ये मीडियम आकार है और ये थीक, और ये ब्रूक आकार है। ये यहाँ पर दिया गया है आपको, ये ब्रूक आकार है। और एक आर्च आईब्रो आती है जिसमें त्रिकोण बना होता है, इस तरीके का त्रिकोण बना होता है वो एक आती है आईब्रो, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सभी कस्टमर बोलते हैं कि हमें पॉइंटेड आईब्रो, मतलब कि आर्च आईब्रो बना कर दीजिए। सो फ्रेंड, ये हो गई है आईब्रो की थेवरी, जो कि मुझे आईब्रो की थेवरी का आपको वीडियो बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईब्रो के किस तरीके से कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए गोल आकार की, ये सारी गोल आकार की आईब्रो है, ये सीधी है। जिनकी आईब्रो उठी भी नहीं होती है, उठी भी नहीं बन सकती, बिल्कुल सीधी बनती है, थोड़ा उठाव आता है तो ये सीधी आईब्रो है। और ये कोणाकार आईब्रो है जिसमें कि एक कोणाकार बहुत ज़्यादा पॉइंटेड आती है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सो फ्रेंड, ये है आईब्रो की थेवरी। जो बाकी का अपर लिप साइड ब्लॉक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइज। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।